आपकी अनुमति से सर मैं बिंदुवार इसके संबंध में समीक्षा बैठक शुरू करना चाहूँगा। सर सर्वप्रथम जो पहला बिंदु है सर वो औद्योगिक क्षेत्र साइट के महोली रोड में जो आप गंदगी के संबंध में है, ये एक सर 1500 मीटर का दोनों तरफ का एक नाली का एरिया है जिसमें साफ सफाई किए जाने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में साहिब नगर आयुक्त जी आप अपनी लगभग 500 मीटर का कच्चा नाला है, उसमें सर प्रॉपर फ्लो नहीं है, और दूसरी चीज़ उसमें वहाँ पर सर इंक्रोचमेंट काफ़ी लगभग 40 जगह पे इंक्रोच हुए हैं। करोड़ का तोहफा ऊर्जा विभाग की तरफ से दिया गया है जिसमें 132 का एक सब स्टेशन है, 33/11 का एक और सब स्टेशन है। तो आने वाले समय में ट्रांसमिशन के क्षेत्र में मथुरा 15 से 20 साल तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना है। अब हमको आने वाले समय में केवल वितरण क्षेत्र में काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मथुरा में अब बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में लगभग 11500 रुपये खर्च किए हैं ट्रांसमिशन की क्षमता वृद्धि पर। तो हमारे तीन विंग होते हैं ऊर्जा में, एक होता है उत्पादन, वो हमारा बिल्कुल 2032 तक हम सरप्लस पावर स्टेट हैं। आप उत्तर प्रदेश केवल बिजली खपत ही नहीं करता बल्कि बिजली हम बेचने वाले भी स्टेट बने हैं। तो बिजली की हमारे यहाँ कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त बिजली है, बल्कि मांग से अधिक बिजली है। दूसरा ट्रांसमिशन में भी हमने बहुत अच्छा काम किया, लगभग 11500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से पूरे प्रदेश भर में हमने 132 के 220 के जितने भी सब स्टेशन की आवश्यकता है वो हमने पूरी की है। और आने वाले समय में वितरण और अच्छा हो जिससे कि 24 घंटे बिजली गांव में रहे, गांव में क्यों 24 मिनट भी बिजली जाए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प जिसको हम लोग चरितार्थ करेंगे। साड़ी उद्योग और जिस तरह से रोटी के कारखाने हैं, आने वाले समय में हम और अधिक संख्या में यहाँ इंडस्ट्री आए, उसी के लिए आज मैं कोट वन में 132 kV का हमने एक सब स्टेशन वहाँ बनाया है और वहाँ जितनी इंडस्ट्री आ रही है उनको बिना व्यवधान के 24 घंटे बिजली मिले, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। लो वोल्टेज की कोई समस्या ना रहे और हमारे यहाँ जो पहले से ही इस्टेब्लिश जो यूनिट हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, उनके यहाँ साफ सफाई और भी कुछ उनकी शिकायतें हैं। TTZ की एक उनकी शिकायत है कि भाई रिफाइनरी यहाँ पर है और ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन उससे होता है, तो रिफाइनरी चल रही है लेकिन हमारी जो यूनिट्स हैं जो लगभग रिफाइनरी से 50 किलोमीटर और आगे हैं कोसी की तरफ, उन सबको भी TTZ में शामिल किया गया है। एक बार हमने कमिश्नर को बात किया है, कमिश्नर आगरा को, और हमारे यहाँ हमारा जिला प्रशासन है, आज की जो बैठक हुई है इसके सारे मिनट्स लेकर एक बार दोबारा से अपना चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे सचिव हैं पर्यावरण के उनसे बातचीत करेंगे, जो भी कंसर्न इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हम प्रयास करेंगे कि इस पर एक बार दोबारा से इसको रिविजिट किया जाए।